गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी अपने लटके हुए पेट को अंदर करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। इन एक्सरसाइज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका टमी विद इन अ मंथ यानी एक महीना लगातार आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आपके पेट एकदम से अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं अपने डेली रूटीन में तो विद इन 6 मंथ्स आपके एब्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका डेली रूटीन बहुत ज़्यादा खराब है, तो डेली रूटीन में आपने कुछ चीज़ें चेंज आउट करनी है। एक तो पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है, और जितना टाइम आप ये वर्कआउट यानी आज से आप मेरे साथ अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने नॉन हेल्दी फूड नहीं इनटेक करना, जिसमें कि आपने चीनी नमक ये सब चीज़ें ज़्यादा इनटेक नहीं करनी। चीनी तो बिल्कुल कट ऑफ कर देनी है। आपने बाहर का खाना नहीं खाना, और इसके साथ साथ ज़्यादा ऑयली फूड आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट के साथ ये सब चीज़ें इनटेक करते हैं तो आपका वर्कआउट करना पूरा वेस्ट हो जाता है, और उसके बाद आपको लगेगा कि आप में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, एक्सरसाइज अच्छी नहीं है। एक्सरसाइज सब बहुत अच्छी होती हैं, उनके रैप ज़्यादा करने हैं और हमें अपनी डाइट पर कंट्रोल करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्ट्रेस आपने कम लेना है, बहुत खुश रहना है, अपने अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, @ishamehra मेरा अकाउंट है। फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इतना बेहतरीन वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1, go। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने मैट पर पीठ के बल लेट जाना है, देन अपनी लेग्स को फोल्ड करना है और अपनी लेग्स के बीच में स्लाइटली सा गैप मेंटेन करना है। अपने हैंड्स को अपने हिप के नीचे प्लेस करना है और अपनी लेग्स को जितना बैक साइड पे लेके जा सके ऊपर ले जाते हुए किक करना है। देन स्लाइटली सा मैट से अपने टोज को टच करना है, देन वापस से आपको बैक किक करना है। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके पेट को फ्लैटन करने के लिए। ये ना सिर्फ आपके लोअर टमी बल्कि अपर टमी को भी बहुत अच्छे से फ्लैट कर देगी और आपके पेट को एकदम सेक्सी लुक देगी। तो अब से पेट छुपाना नहीं बल्कि फ्लॉन्ट करें। इसको आपने करना है 20 times और इसके आपको करने हैं 4 sets। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने हैंड को मैट पे इस तरीके से प्लेस करना है। उसके बाद में आपने अपने पंजों पर आ जाना है यानी अपने टोज पर आ जाना है, ठीक है। अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है, अपनी लेग को आपने पूरा आगे तक एल्बो तक लेकर आना है दोनों आर्म्स के बीच में, देन बैक साइड पे किक करना है। ऐसा करने से आपका लोअर टमी अपर टमी बहुत अच्छे से फ्लैट होता है, आपकी मसल स्क्वीज होती हैं, टोन अप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे में जब आपकी लेग अंदर की तरफ जाएगी तो आपने ब्रीथ इन करना है, अप जाएगी तो ब्रीथ आउट करना है। ऐसा आपने 20 times करना है और इसके आपने करने हैं 4 sets। सेम आपने ऐसा अदर लेग पर भी करना है 20 times और उसके 4 sets। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पर लेट जाइए, दोनों हैंड्स को अपने हिप के नीचे प्लेस करें, ठीक है। उसके बाद आपने 1 by 1 अपने लेग्स को इस तरीके से क्रॉस करना है, देन ऊपर किक करना है, देन उसके बाद आपने साइकिलिंग जैसे करते हैं सेम उसी तरीके से प्रोसेस करना है। ऐसा करने से एक तो आपका पेट बहुत जल्दी स्ट्रेच आउट होता है, इससे आपका लोअर टमी अपर टमी बहुत अच्छे से स्क्वीज होता है। जब आप अपने लेग्स को अप एंड डाउन करेंगे तो उसमें आप ब्रीथ बहुत फास्ट फास्ट लेंगे, और जब ऊपर लेकर आएंगे तो ब्रीथ इन, और जब नीचे लेकर जाएंगे तो ब्रीथ आउट। तो हम इस एक्सरसाइज में दो तरह के प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी आपके टमी को रिड्यूस करेगा। ऐसा आपने 20 times करना है और इसके करने हैं आपने 4 sets।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने अपर बॉडी को इस तरीके से ऊपर लिफ्ट करके रखना है, हिप को नीचे प्लेस करना है और अपनी लेग से इस तरीके से वन बाय वन डाउन एंड अप करना है। ये करने से आप नोटिस करेंगे कि आपके पेट में बहुत जबरदस्त स्ट्रेस फील होगा और वो स्ट्रेस ना आपके टमी को जितना भी बड़ा हुआ है उसको फ्लैटन करने में बहुत हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, बहुत इफेक्टिव है ये सारी एक्सरसाइजेस। जब आप अपनी लेग को अप करेंगे तो ब्रीथ इन, जब डाउन करेंगे तो ब्रीथ आउट 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने वन लेग को डाउन करना है और अदर लेग आपकी ऊपर रहेगी, देन उसको अदर लेग को फिर डाउन, फिर अप, फिर अदर लेग को डाउन, ऐसे ही ऑपोजिट साइड हमें चलते रहना है वन बाय वन, ठीक है। ये आपके टमी को बहुत अच्छे से फ्लैटन करता है। सेम प्रोसेस रहेगा, जब आपकी लेग्स ऊपर रहेंगी तो ब्रीथ इन, जब डाउन जाएंगी तो ब्रीथ आउट 20 टाइम्स और इसके करने हैं हमें 4 सेट्स। मेक श्योर आप सारी टमी की एक्सरसाइजेस में अपने टमी को टक करके रखेंगे, एकदम स्क्वीज करके रखेंगे, उससे आपके मसल जल्दी टोन होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां का फैट जल्दी टूटता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पे लेट जाइए और अपने आर्म्स को पीछे लेकर जाइए, अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और अपने हैंड से आपने वन बाय वन अपने टोस को टच करना है अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हुए। ये आपके टमी को, लोअर टमी को, अपर टमी को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे आपको खुद बहुत ज्यादा लोड फील होगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी। मेक श्योर यही टाइम है आपका टमी को फ्लैट करने का, तो 10 रैप्स करें वन बाय वन और इसके करने हैं आपको 5 सेट्स। मतलब हो सके तो डे बाय डे इसको इंक्रीज करें और 100 टाइम्स इसको रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने हैंड को मैट पे इस तरीके से प्लेस करना है, अपने टोस पर आ जाना है और उसके बाद आपने अपने घुटने से यानी अपने नी से अपने लेफ्ट टू राइट एल्बो को टच करते हुए बैक जाना है। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका लोड कितना जबरदस्त फील हो रहा है आपके टमी पे और आपके साइड जो टायर्स निकल आते हैं वहां पर। तो सोचिए जब इतना जबरदस्त लोड फील होगा तो वहां का फैट तो यूं चुटकियों में गायब हो जाएगा, लेकिन मेहनत पर। तो फटाफट से इसको करें 20 बार और उसके करें आप 4 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने अपने हाथों को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है और अपने टोस पर आ जाना है और आपने वन लेग को अप करना है, मतलब बाहर की साइड निकालना है, देन इन करना है, आउट करना है, देन इन करना है। ऐसा करने में आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा इसका लोड कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। प्लीज अपने टमी को स्क्वीज करके रखें, जब अपनी लेग को बाहर लेके जाएंगे तो ब्रीथ आउट, अंदर लेकर आएंगे तो ब्रीथ इन, ठीक है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है वर्कआउट।